सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। एंड आज का वाला वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉरजोन मोबाइल के बारे में, इसकी रिलीज डेट, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, गेम प्ले, सभी के बारे में बात करेंगे। एंड मेनली तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि क्या आप वॉरजोन मोबाइल के क्लोज अल्फा को डाउनलोड करके खेल सकते हो। सो वीडियो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो मेक श्योर की वीडियो का एंड तक जरूर देखना। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी को वॉरजोन मोबाइल से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट देने वाला हूं। तो चलो भी ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को सीधे शुरू करते हैं। तो आप में से कई सारे लोग मुझसे अक्सर ये पूछते रहते हैं कि भाई हमारे फोन में वॉरजोन मोबाइल चलेगा या फिर नहीं, या फिर हमारे फोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए वॉरजोन मोबाइल को चलाने के लिए। तो रिसेंटली यहाँ पे कुछ लीक्ड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स निकल के आई हैं। एंड मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि भाई ये कोई कन्फर्म्ड सोर्सेज की तरफ से नहीं निकल के आई है, तो ये सोच के मत चलना कि यही 100% ट्रू होने वाली है। मैं तो इतना कहूंगा कि आप इनको एस्टिमेटेड मान के चल सकते हो। एंड बाय द वे, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है वो तो आपने लाइक रीड कर ही लिया होगा, पर चलो एंड्रॉइड डिवाइसेज के लिए मैं स्टिल एक फिर से बता देता हूँ। आपको स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर लगेगा, 4GB की रैम लगेगी, एंड्रॉइड 10 का OS लगेगा, एंड फ्री स्टोरेज आपके फोन में 4GB तक की मिनिमम होनी चाहिए। बाकी जो रिकमेंडेड स्पेक्स हैं वो भी आप देख सकते हो, स्नैपड्रैगन 865 एंड 6GB की रैम, लाइक अगर आपके पास होगी तो आपको जो है गेम में 60 FPS तक देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो चलो भी बात करते हैं वॉरजोन मोबाइल के मल्टीप्लेयर मोड के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि इसके क्लोज अल्फा में तो अभी के लिए फिलहाल हमें सिर्फ एक VR मोड ही देखने के लिए मिलता है, बट लीक्स के थ्रू रिसेंटली ऐसा पता चला है कि आने वाले टाइम में लाइक फ्यूचर में हमको वॉरजोन मोबाइल के अंदर मल्टीप्लेयर मोड भी देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले तो गेम की फाइल्स के अंदर एक कॉल ऑफ ड्यूटी का मॉडर्न वॉरफेयर का लोगो देखने के लिए मिला, एंड देन यहाँ पे फिर एक इमेज भी लीक होके आई है जिसमें लिखा हुआ है इन प्रोग्रेस मल्टीप्लेयर 33%। सो या इट माइट बी पॉसिबल कि आने वाले टाइम में हमको वॉरजोन मोबाइल में एक मल्टीप्लेयर मोड भी देखने के लिए मिले, बट ऑल्दो इट्स नॉट कंफर्म्ड, सो टेक इट एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नाउ अभी बात करते हैं वॉरजोन मोबाइल की बीटा रिलीज डेट एंड ग्लोबल रिलीज डेट के बारे में। तो सबसे पहले तो गाइस आप लोगों ने ये वाली क्लिप देखी ही होगी कॉल ऑफ ड्यूटी के जनरल मैनेजर की। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं कि इस क्लिप में उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि 28 अक्टूबर को तीन बड़ी चीजें होने वाली हैं। पहला तो ये कि मॉडर्न वॉरफेयर 2 का लाइक उस दिन लॉन्च होने वाला है, एंड दूसरी चीज ये कि उस दिन जो है वॉरजोन 2 के भी आने के चांसेस हैं, एंड तीसरा ये कि वॉरजोन मोबाइल से रिलेटेड भी आपको कुछ ना कुछ उस दिन देखने के लिए मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि क्या ये इसके फर्स्ट बीटा की रिलीज डेट होगी या फिर इसके ग्लोबल रिलीज डेट। वेल देखो, मेरे को जहां तक लगता है अभी जून का महीना करेंटली चल रहा है, एंड इतनी जल्दी 4 के अंदर वो गेम को पूरी तरीके से ग्लोबली तो रिलीज नहीं कर सकते हैं। सो इट माइट बी पॉसिबल कि ये इसके बीटा की रिलीज डेट हो, या फिर उस दिन ऐसा भी हो सकता है कि एक्टिवेशन वॉरजोन मोबाइल को ऑफिशियली अनाउंस कर दे। एंड वेल इसके बाद एक और गुड न्यूज आ रही है कि वॉरजोन मोबाइल का क्लोज्ड अल्फा जो कि इतने टाइम से चल रहा था वो अब जाके फाइनली एंड हो चुका है। तो आप लोग सोचोगे कि भाई इसमें गुड न्यूज क्या है, ये तो बैड न्यूज हुई ना, बट नहीं भाई, ये गुड न्यूज ही है। अगर अल्फा अभी एंड हो रहा है तो इसके 1-2 महीने बाद हो सकता है कि इसका बीटा चालू हो जाए, एंड जब वॉरजोन का बीटा चालू होगा उसमें गेम जो है और भी ज्यादा इंप्रूव होकर हमें देखने के लिए मिलेगा, एंड गेम को और भी कई सारे नए लोग खेल पाएंगे। सो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि अगस्त के महीने में शायद से इसका बीटा में देखने के लिए मिल सकता है। एंड अगेन भाई, ये कोई कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल रहा हूं मैं, तो प्लीज इस पे फुल्ली ट्रस्ट मत करना। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे कि क्या आप वॉरजोन मोबाइल के क्लोज्ड अल्फा को डाउनलोड करके खेल सकते हो। तो वेल देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि वॉरजोन मोबाइल का क्लोज्ड अल्फा खत्म हो चुका है या फिर एंड हो चुका है, तो डेफिनेटली आप उसको नहीं खेल सकते हो। बट भाई अभी कई सारे क्रिएटर्स लाइक ऐसे हैं जो कि वॉरजोन मोबाइल के APK का लिंक दे रहे हैं, एंड बोल रहे हैं कि गेम के अंदर की जो एडिशनल फाइल है 3.5GB की, उसको डाउनलोड कर लो, एक्टिवेशन का एक अकाउंट बना लो, एंड आप गेम को खेल पाओगे। तो वेल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग APK को डाउनलोड करके उसके जो एडिशनल गेम की फाइल है उसको भी डाउनलोड कर लोगे, लेकिन स्टिल आपको गेम खेलने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि गेम को चलाने के लिए आपको एक स्पेशल की जरूरत लगती थी जो कि एक्टिवेशन वाले खुद लोगों को दे रहे थे ईमेल के थ्रू। एंड जब तक अगर आपको वो ईमेल नहीं मिलेगा तब तक आप गेम को एक्सेस नहीं कर पाओगे। बट हाँ, एक चीज है जो कि आप कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वॉरजोन मोबाइल का कोई भी अल्फा वगैरह चलेगा तो उसमें आप अपने आने के चांसेस को बढ़ा सकते हो। आप लोग एक्टिवेशन का जो है एक ऑफिशियल अकाउंट बना सकते हो, एंड उससे जो है आप जो है एक्टिवेशन के प्ले टेस्टर बन सकते हो, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट हाँ, इससे भी एक चीज बता दूं कि भाई कंफर्म नहीं है कि आप एक्टिवेशन के प्ले टेस्टर बन गए हो तो आपको डेफिनेटली वॉरजोन मोबाइल का अल्फा मिलेगा ही मिलेगा। बट हाँ, बाकियों के कंपैरेटिवली आपके चांसेस थोड़े से हाई रहेंगे। तो जी हाँ गाइस, इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा, जिससे अगर मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आप मिस ना कर पाओ। बट फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।